हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द सिंजेस। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। चीज़ें एनसीईआरटी में भी दी गई हैं, ये सारी चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, बट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आता है कि सर ये हम याद नहीं कर पाते हैं, ये वैल्यूज़ हम याद नहीं कर पाते कि कब किसको ऐड करना है, कैसे कैसे ये वैल्यू आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम हमारे सामने सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सब चीज़ों को याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उन चीज़ों को मेरा जॉब ये है कि मैं उन चीज़ों को क्या करूँ और इजी बना के यहाँ पे प्रेजेंट करूँ, ताकि आप लोग क्या कर सकें अप टू एग्ज़ाम वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहें। तो एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, डेफिनेशन देखेंगे, आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी साथ साथ रखा होगा, डेफिनेशन एनसीईआरटी से देखेंगे हम लोग, उन वैल्यूज़ को यहाँ मैंने राइट डाउन कर दिया, साथ साथ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ग्राफ टाइप का डायग्राम बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं स्पायरोग्राम, एक स्पायरोग्राम बनाएंगे, उनसे क्या होगा हमारे लिए ये वैल्यू याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला वॉल्यूम आता है हमारे सामने क्या, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी से। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम हम लोग जो एयर इंस्पायर कर रहे हैं यानी ब्रीद इन कर रहे हैं, या जो एयर हम ब्रीद आउट कर रहे हैं एक्सपायर कर रहे हैं, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ध्यान रखना है एनसीईआरटी ने वर्ड यूज़ किया है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, यानी कि दोनों वॉल्यूम को हम एक साथ नहीं जोड़ेंगे। जब भी हम टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम या तो इंस्पिरेशन की बात करेंगे या तो एक्सपिरेशन की बात करेंगे। और ये वैल्यू कितनी दी गई है, ये वैल्यू दी गई है 500 ml, यानी हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml होता है। फिर एनसीईआरटी ने एक और वैल्यू दी गई है कि ये टाइडल वॉल्यूम एक ब्रीदिंग में हुआ, यानी एक बार इंस्पायर किया या एक बार एक्सपायर किया, बट पूरे ब्रीदिंग साइकिल में यानी एक मिनट में हम यूजुअली 12 टू 16 टाइम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। उस हिसाब से इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हम ये वैल्यू आएगी फॉर मिनट इज 6000 to 8000 ml। तो याद रखना क्या है, हमें टाइडल वॉल्यूम होता है हमारा 500 ml, विच इंक्लूड्स इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चीज़ों को याद करने का तरीका ये होना चाहिए हमारे सामने कि हम क्या वर्ड्स की मीनिंग समझें, साथ ही साथ हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा इसमें होता क्या है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि इंस्पिरेशन के टाइम हम अपने लंग्स में कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्व वॉल्यूम यानी एक्स्ट्रा कितना हम ब्रीद इन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, हम अपने लंग्स में कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्स्ट्रा रिजर्व कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब नॉर्मल ब्रीदिंग एक बार खुद से करके देख लिया आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर एक बार फोर्सफुली ब्रीद इन कीजिए, तो ये जो वॉल्यूम होगा जो हमने फोर्सफुली लिया वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 2500 to 3000 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी नॉर्मल ब्रीदिंग हमने जो किया वो टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम यूजुअली कर रहे हैं वो है हमारा टाइडल वॉल्यूम, फिर फोर्सफुली एक बार हमने ब्रीद इन किया, फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, तो ये क्या हो गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू क्या है 2500 to 3000 ml। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नाम से समझ में आ रहा है इसका जस्ट अपोजिट होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। ERV या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल हमने ब्रीद इन किया या इंस्पिरेशन किया एक्सपिरेशन किया, वहाँ पे क्या होगा वो टाइडल वॉल्यूम है। अब हमने एक बार क्या फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया, तेज़ी से सांस छोड़ा, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड क्या है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 1000 to 1100 ml, एनसीईआरटी में ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। फिर फोर्थ क्या है हमारा रेसिड्यूअल वॉल्यूम, यानी ये वो वॉल्यूम है एयर का जो कि हम फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी हमारे लंग्स में प्रेजेंट हो रह गया। स्टेटमेंट एक बार देखते हैं एनसीईआरटी से और क्लियर होगा। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जो चीज़ें मैंने बोली वही लिखा है कि फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर दिया हमने, फोर्सफुली पूरे एयर को बाहर निकाल दिया, अभी भी जो अमाउंट लंग्स में रह गया, अभी भी एयर का वो अमाउंट जो लंग्स में रह गया उसे हम क्या बोलेंगे रेसिड्यूअल वॉल्यूम। वर्ड समझ में आ रहा है, रेसिड्यू यानी बचा हुआ, एक्सपायरेटरी रिजर्व यानी जो फोर्सफुली हम एक्सपायर कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व जो फोर्सफुली हम इंस्पायर कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल साइकिल। आई होप ये चार स्टेटमेंट क्लियर होंगे, क्योंकि ये चार ही स्टेटमेंट क्या है हमारे मेंस हैं, बाकी जो आगे हम पांच देखने वाले हैं वो क्या हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज 2500 to 3000 ml, देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज 1000 to 1100 ml, एंड रेसिड्यूअल वॉल्यूम विच वी कैन नॉट एक्सपायर इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज 1000 to 1200 ml। इतनी वैल्यू सबको क्लियर है, ये स्टेटमेंट्स क्लियर हैं।
अगर ये क्लियर होगा तो आगे की चीज़ों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। अब क्या है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी हमारे लंग्स के अंदर इंस्पिरेशन करने की कितनी कैपेसिटी है, हमारा लंग्स अपने अंदर कितना एयर स्टोर कर सकता है, तो जो हमने नॉर्मल ब्रीदिंग की वो स्टोर किया लंग्स ने, साथ ही साथ जो हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं यानी हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हुई हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है कि वो एयर को स्टोर करे, तो सबसे पहले लंग्स क्या करेगा, हमारे टाइडल वॉल्यूम जितना एयर लेगा, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेगा, यानी कि हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 3000 ml हमारा हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम हो गया हमारा 500 ml, टोटल हमारे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी हुई 3500 ml। अभी मैं इनको क्या करूँगा, याद करना भी सिखाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक पूरे वीडियो को देखें, वहाँ पे मैं क्या करूँगा और सिंपली इसे हम कैसे याद रख सकते हैं वो तरीका बताने वाला हूँ। इंस्पिरेटरी रिजर्व क्लियर हो गया, सॉरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्लियर हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा लंग्स कितना कैपेसिटी उसकी कितनी है कि कितने एयर को वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो वो स्टोर करेगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी हमारा लंग्स फोर्सफुली कितने एयर को निकाल सकता है, तो सबसे पहले वो टाइडल वॉल्यूम निकालेगा। अब फोर्सफुल ब्रीदिंग हम जब भी कर रहे हैं, फोर्सफुली मैंने सांस छोड़ा, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले निकला, फिर क्या निकला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन्हीं दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो क्या बन गया हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि कितने एयर को वो एक्सपायर कर सकता है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम ऐड कर दिया हमने, तो ये आ गया 1500 ml। देन फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इसका भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं एनसीईआरटी से, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन साइड लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन किया हमने, तो अब क्या एयर अंदर बच गया, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया हमने तो टाइडल वॉल्यूम तो निकल गया, बट अंदर बचा क्या गया, अंदर बचा हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं, साथ साथ बचा क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम जो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो यही हमारा डेफिनेशन क्या हो गया, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन साइड लंग्स इवन आफ्टर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन साइड लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी टाइडल वॉल्यूम हमने निकाल दिया, उसके बाद बचा क्या क्या, वो हो जाएगा हमारा फंक्शनल रेसिडुअल, बचा क्या क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व बचा जो हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं, साथ ही साथ क्या बचा, रेसिडुअल वॉल्यूम जो हम कभी निकाल ही नहीं सकते अपने लंग से, तो ये हो गया हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इनको हमने ऐड कर दिया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, वैल्यू आ गई हमारी 2200 ml। फिर एट्थ क्या है हमारा, वाइटल कैपेसिटी, देखते हैं ये क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाई मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इन्हेलेशन। हमने क्या किया, सबसे डीप इंस्पिरेशन किया, जितना हम क्या कर सकते हैं अपने लंग्स के अंदर एयर ले जा सकते थे ले जा लिया। तो अब ये वाइटल कैपेसिटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाई मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन। हमने डीप इन्हेलेशन किया, अब हम कहाँ तक निकाल सकते हैं, यानी फोर्सफुली एक्सपिरेशन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें निकलेगी, डीप इन्हेलेशन किया तो सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि हमने फोर्सफुली इन्हेलेशन करके लिया था, फिर हमारा निकलेगा टाइडल वॉल्यूम, फिर क्या निकलेगा हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान देना है कैसे हमें ये चीज़ें याद रखनी है, हम एक बार इसको जब खुद से करके देखेंगे तो हमारे लिए और ईजी होगा याद करने। डीप इन्हेलेशन किया हमने तो अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हम निकालेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि हमने एक्सेस लिया, फिर हम निकालेंगे टाइडल वॉल्यूम, फिर क्या हम एक्सपायर करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इन्हीं तीनों को ऐड कर दिया सिंपली, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी वाइटल कैपेसिटी। तो वही स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने भी दिया है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इन्हेलेशन। डीपेस्ट इन्हेलेशन के बाद हम फोर्सफुली कितना निकाल सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैप, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर लास्ट आया हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, यानी पूरे लंग्स में कितना एयर स्टोर हो सकता है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टाइडल वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। टाइडल वॉल्यूम से हम क्या गए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और क्या क्या स्टोर हो सकता है लंग्स में,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम स्टोर हो सकता है और साथ साथ क्या हो सकता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम भी स्टोर हो सकता है। यानी इन चारों को, जो फोर स्टेटमेंट हमने स्टार्ट में पढ़े थे, उन चारों को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। अब क्या है, वैल्यू तो हमने देख ली, बट इन चीज़ों को हम एग्जाम में याद कैसे रखेंगे, इन चीज़ों को हम एग्जाम में याद कैसे रखेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बुक से देख रहे हैं, अभी हमें पता है वैल्यू, एग्जाम तक याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या ड्रॉ किया है, एक स्पायरोग्राम ड्रॉ किया है। अब स्पायरोग्राम क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन वॉल्यूम्स को मेजर कर सकता, इन वॉल्यूम्स को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। यानी हमारे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन वॉल्यूम्स को कौन मेजर कर सकता है, स्पायरोमीटर। तो उस स्पायरोमीटर का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पायरोग्राम। जैसे हम जब हर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो उसका ग्राफ क्या होता है, वो हर्ट का ग्राफ होता है। ये क्या है, हमारे ये वॉल्यूम्स का ग्राफ है, तो देखने में वैसा ही लगेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, ये हमारा है एक स्पायरोग्राम जो कि दिखाएगा हमारे लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी को। सबसे पहले हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं वापस से टाइडल वॉल्यूम से। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जो एयर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो टाइडल वॉल्यूम के टाइम ये ग्राफ कुछ इस तरह शो होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह चलेगा हमारे टाइडल वॉल्यूम के टाइम पे। अब मैंने बात किया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी फोर्सफुली मैं कितना एयर ब्रीद इन कर सकता हूँ, ये हो जाएगा क्या हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम से ऊपर की तरफ गए तो हमारा आ गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चीज़ अब ज़्यादा क्लियर हो पाई क्योंकि हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब फिर थर्ड क्या आया हमारा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी वापस से हम क्या किए, टाइडल वॉल्यूम में चल रहा है हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग, अब हम फोर्सफुली कितने एयर को ब्रीद आउट कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी ये ग्राफ अब किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा फोर्सफुली एक्सपिरेशन यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ध्यान देना, रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कभी लंग्स के बाहर आ ही नहीं सकता है, यानी जिसको हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी नहीं निकाल सकते। तो एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन दिया है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुली एक्सपायर करके हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो निकाल दिया, बट रेसिड्यूअल वॉल्यूम अभी भी बचा हुआ है, इसलिए स्पायरोग्राम कभी भी इससे नीचे नहीं जाएगा, स्पायरोग्राम कभी भी ईआरवी से नीचे नहीं जाएगा, रेसिड्यूअल वॉल्यूम तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये 1200 ml हम कभी निकाल ही नहीं सकते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, मेन थ्री डेफिनेशन क्या थे हमारे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बाकी जो हैं वो क्या है, इनके कॉम्बिनेशन से बने हैं। अब बात करेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंस्पिरेशन के टाइम, लंग्स की कैपेसिटी इंस्पिरेशन के टाइम क्या है, लंग्स हमारा ले सकता है टाइडल वॉल्यूम, सबसे पहले लंग्स टाइडल वॉल्यूम लेगा, फिर क्या लेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी ये ग्राफ हमारा क्या शो कर रहा है, आई सी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या किया हमने, वापस से इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया, 3500 और 500 ml, मतलब 3000 ml प्लस 500 ml, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी आ गई, 3500 ml। फिर बात करेंगे किसकी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया, अब बात करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या कैपेसिटी है, ये है हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है वो एक्सपिरेशन टाइम निकाल सकता है। तो सबसे पहले वो क्या निकालेगा, टाइडल वॉल्यूम के बराबर निकालेगा, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये दोनों वैल्यू को हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया हमारा ई सी, यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सबको समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं हमारे वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर डीपेस्ट इनहेलेशन। डीपेस्ट इनहेलेशन किया तो हमारा ग्राफ यहाँ तक आया। वाइटल कैपेसिटी होता क्या है, फोर्सफुली हम एक्सपायर कितना निकाल सकते हैं, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करके हम कितना निकाल सकते हैं, तो डीपेस्ट इनहेलेशन तक हम यहाँ तक पहुँचे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को नीचे तक ले आएंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, अपने टाइडल वॉल्यूम को निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, इन तीनों वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया तो ये हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी वी सी। इतनी क्लियर है। फिर टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि हमारे लंग्स कितने एयर को स्टोर कर सकता है, हमारा लंग्स टाइडल वॉल्यूम भी स्टोर करेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, साथ साथ क्या रेसिडुअल वॉल्यूम भी। तो ये लास्ट वाला हमारा क्या हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। एक हमारा क्या बच गया है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये कैपेसिटी क्या थी, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद
नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद हमारे लंग्स में कितना एयर बच गया, नॉर्मली हमने टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया एक्सपायर किया, बचा क्या क्या, यानी हमारे लंग्स अभी और क्या निकाल सकता है, हमारे लंग्स निकाल सकता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि अभी भी लंग्स में है, साथ साथ रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि उसमें हमेशा ही रहेगा। तो अब क्या बचा ये हमारा क्या FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आई होप आप सभी को इतनी सारी स्टेटमेंट्स क्लियर होंगी। क्या क्या मैंने बताया, इस ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारे लिए वैल्यू याद करना उतना ईजी नहीं है, वैल्यू हम एग्जाम तक याद करें वो हमारे लिए इतना इजी नहीं है, जितना इजी हमारे लिए इस ग्राफ को विजुलाइज करना होगा एग्जाम में। तो कैसे बनाया, टाइडल वॉल्यूम ऊपर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नीचे क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लास्ट में क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड किया तो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई, इन दोनों को ऐड किया तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई, फिर वाइटल कैपेसिटी कैसे हुई, इन तीनों को ऐड कर दिया यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व प्लस टाइडल प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गई वाइटल कैपेसिटी, सभी को ऐड कर दिया तो क्या हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। तो एग्जाम में हम कैसे याद कर सकते हैं, एक और तरीका मैं बता देता हूँ, एक तो हम ग्राफ विजुलाइज कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं इन वैल्यू इन स्टेटमेंट्स को, यानी हमारे जो चार फोर स्टेटमेंट थे स्टार्ट वाले उनको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, सबसे ऊपर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन टाइडल वॉल्यूम, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लास्ट में हमने लिख दिया रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा IC यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को ऐड कर दिया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को ऐड किया यानी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, तो ये हो गया हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या बचा FRC यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फिर क्या किया इन तीनों को ऐड कर दिया तो वाइटल कैपेसिटी, इन चारों को ऐड कर दिया तो टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये सीख लिया हमने कि कैसे हम इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे सामने क्या, हम इस पिक्चर को इस ग्राफ को विजुलाइज कर सकते हैं। अब कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं कि स्पायरोमीटर क्या होता है, स्पायरोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, स्पायरोमीटर डिवाइस है वो जो लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करता है, इसको हमें उससे कन्फ्यूज नहीं होना है जो हम हार्ट में पढ़ेंगे यानी लेक्चर में पढ़ेंगे, स्फेग्नोमैनोमीटर जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है वो होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, ये क्या है हमारा स्पायरोमीटर, ये हमारे लंग कैपेसिटी को मेजर करने में हेल्प कराता है। फिर एक बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आता है कि स्पायरोमीटर क्या क्या मेजर नहीं कर सकता है, स्पायरोमीटर क्या क्या मेजर नहीं कर सकता है, स्पायरोमीटर हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकता है, क्यों, रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि कभी लंग्स के बाहर आ ही नहीं सकता है, रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर रह गया, तो स्पायरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता है। अब ये रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता तो साथ साथ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को भी मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनी ही रेसिडुअल वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से, साथ साथ ये टोटल लंग कैपेसिटी को भी मेजर नहीं कर सकता क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी में भी रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होता है। तो क्या क्या मेजर नहीं कर सकता, स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर RV रेसिड्यूअल वॉल्यूम, फिर रेसिड्यूअल वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से जो जो भी बन रहा होगा वो भी नहीं मेजर कर सकता है, FRC फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, तो स्पायरोमीटर इन तीनों चीज़ों को मेजर नहीं कर सकता है। साथ साथ अब ये वॉल्यूम किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, हमारी वाइटल कैपेसिटी यानी हमारे लंग्स की एयर स्टोर करने की कैपेसिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो ये एज पर डिपेंड करेगी, विथ एज हमारी वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस होगी, किसी डिजीज कंडीशन पे भी ये क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, जैसे नॉन स्मोकर्स में वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है, साथ साथ एज पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है, हमारे सेक्स पर डिपेंड करता है, मेल फीमेल में अलग अलग होगा वाइटल कैपेसिटी, तो इन चीज़ों का क्या करना है हमें ध्यान रखना है। फिर एक और क्वेश्चन क्या है कि एम्ब्रियो में यानी कि बिफोर बर्थ किसी एम्ब्रियो में रेसिड्यूअल वॉल्यूम एब्सेंट होता है, ऐसा क्यों, एम्ब्रियो में रेसिड्यूअल वॉल्यूम एब्सेंट क्यों होता है, क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो में लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, हमें पता है कि लंग्स फंक्शनल तभी होते हैं जब आफ्टर बर्थ आफ्टर पाचुरेशन हमारे लंग्स फंक्शनल होते हैं, यानी बिफोर पाचुरेशन एम्ब्रियोनल स्टेज में क्या होता है हमारा लंग्स नॉन फंक्शनल होता है, इस वजह से वहाँ पे क्या है रेसिड्यूअल वॉल्यूम एब्सेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्या कि स्पायरोमीटर क्या क्या मेजर नहीं कर सकता है, हमारा वाइटल कैपेसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एम्ब्रियोज में रेसिड्यूअल वॉल्यूम एब्सेंट क्यों होता है, तो इन चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।